उसका टैक्स है कि हम अपना टैक्स अदा करते हैं, सभी बिल जमा करते हैं, चार पाँच हम ना करें तो हमसे बड़े धना के कोई ना दस में बात है। हम आपका नाम बताएं। अच्छा, कहाँ, कौन सा गांव है? फेरीकोट जी। क्या कहते हैं आप? हम कहते हैं हम बिल जमा कराएंगे, जिन्हें यूटा बलिया ठीक है जी, टैक्स जमा ना कराने टीवी टैक्स है पिछा करो लाया ने पुराने टैक्स मसला। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मेरी अभी बात हुई है एसटीओ साहब से, एसटीओ साहब को मैंने ये बात की है, मैं कहा जिसका हजार रुपए बिल बनता है जो आपकी जो आपकी यूनिट है जो जल्दी है ठीक है उसका हम बिल पे करेंगे, बाकी हम बिल नहीं करेंगे ठीक है। अगर आपने हमारे मीटर उतारे हैं ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल जमा नहीं करवाएंगे। अगर आपने मीटर उतारे हैं तो फिर आप फिर एहतजाज एहतजाज करेंगे, हम किसी को बिल भी जमा नहीं करवाएंगे ठीक है। कोई ये झूठा जो टैक्स बिल्कुल हम जमा नहीं करवाएंगे जी। बिजली सड़ी पी थे 13,000 रुपए बिल आया, जो गरीब लोग अस किस तरह पूरी कर सा, अगर ये हिसाब है टैक्स अस नहीं जमा करा सकते। जय साहब, यही कहता हूँ कि ये बिल जो इतने पड़े हुए हैं एक ही 5 रुपए या किलो पर। नाम बताए आपका? हाँ जी। कितने, कौन सा गाँव है? कितने गाँव आए हुए हैं यहाँ? 5 गाँव आए। कौन कौन से? सूरज सलाह, सूरज मुंगी वाली लगाल, डेरी लगाल, डेरी जवान, डेरी कोट, नकोदर, मुंगी अली, आठ गाँव यहाँ के बारे में क्या कहते हैं? इस तरह है, ये जो ईपीए लगा है ना ठीक है, ये हमारा जो पाकिस्तान में बिजली पैदा होती है गैस से पैदा होती है, पानी से पैदा होती है, पर्ने साइल से पैदा होती है, कोयले से पैदा होती है, इनकी कीमत में जो डिफरेंस होता है ठीक है, वो इसी वजह से हमें ईपीए लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से ईपीए लगना पड़ता है। अभी जो ईपीए लगा है ये मई की यूनिट पे लगा है, 8 रुपए के हिसाब से, एक यूनिट के ऊपर 8 रुपए का टैक्स लगा ठीक है, इसी वजह से बिल आए हैं। बाकी जो कमर्शियल का मामला है वो 6,000-3,000 इसके अभी तक मामला चल रहा है, अगर मतलब हमें कोई ऑर्डर आ गया ठीक है तो हम इसको मतलब निगलेक्ट करेंगे, इसको काट देंगे और ऑफिस से काटा जाएगा या डीओ के ऑफिस से मतलब इसको कट दिया जाएगा, बाकी जमा करेंगे। देखिए ये कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा मीटर ना उतरे भाई, बिल हम जमा नहीं करवाते जिस वक्त इसका मैं ये है कि ये लोग मुझे रिटर्न में दे देंगे, मैं उसको ऊपर फॉरवर्ड करूंगा कि लोगों ने ये एहतजाज रिकॉर्ड किया है और ये लोग अपनी ईपीए के साथ बिल जमा नहीं करते हैं ठीक है। ऊपर जैसे मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया, हम इस हवाले इस तरीके से चलेंगे ठीक। 500 रुपए नहीं बिजली सड़ी हुई और 3500 रुपए टैक्स और 3500 रुपए बिल आ रहा है, और जब कोई हाल ये तो रहो इसमें इनके पास कोई हाल ही नहीं है, मीटर उतार लेते हैं, मीटर हमारी अपनी मलकियत है वो उधर ही रहना चाहिए, ये तार भी जो 40 फुट 50 फुट होती है 2-3 फुट छोड़ देते हैं, बाकी ले आते हैं काट के बाबडा वाले।